एस्ट्रो लवर्स, शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। उजाला कुलश्रेष्ठ, मैं आपको 2020 ईयर जो हमारा कमिंग ईयर है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन 2020? फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जिसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल, सो ये जो कमिंग ईयर है, सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ईयर। जहां आपका फोकस है इस ईयर में वही चीज इम्प्रूव होगी। तो जहां तक मुझे लगता है 2020 में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर स्टिल वहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी 80-20% एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होंगे, बट जितना हम शायद सोच रहे हैं उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। बट स्टिल जैसे मैंने बोला, ये फोकस्ड होने वाला ईयर है, जहां पे आपका फोकस है वो वही पे आपको बेनिफिट देगा। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 3 months सब कुछ ठीक रहे, फिर थोड़ा 3 months के बाद आपका 5-6 months थोड़ा सा डाउन रहे, देन अगेन यू विल सी एम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग। सेम थिंग मैं बोलना चाहूंगी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट ग्रोइंग सो मच व्हाट आई कैन सी। कुछ जगह हम बेटर भी करेंगे तो कुछ जगह हम बेटर नहीं भी करेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा अचानक से बीच में, जहाँ पे ईयर के बीच में आपको लगेगा कि ये अभी हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, बिकॉज जो कमिंग ईयर है वो ईयर ही कन्फ्यूजन का है। जहाँ क्लियरिटी नहीं होगी वहाँ पे हम क्लियर रिजल्ट्स भी नहीं देखेंगे। जहां तक हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर इज सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू बी फ्लोरिश इन दिस ईयर। बाहर से इन्वेस्टमेंट होंगे, बाहर के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारे देश के एग्रीकल्चर में। वैसे भी इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, सो ये यहाँ से हम जो पुराना समय है वो शायद दोबारा से देखेंगे। एनीवे दिस ईयर इज गोइंग टू बी टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हमको ये दिखेगा कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन आवर कंट्री। सो फॉर द कंट्री डेफिनेटली वी नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। वेयर वी कैन सी इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, स्पेस रिसर्च सेंटर, सो वहां से हमको बहुत फायदा होगा। वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी जो बाहर के कंट्रीज का इंटरेस्ट इंडिया में हमें दिखेगा। द पीपल मे कम फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड टेक इंटरेस्ट इन आवर इंस्टीट्यूट एंड आवर लर्निंग एंड आवर नॉलेज अबाउट स्पेस, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। नाउ वॉट कुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया इन 2020? मे बी some kind of flood or disaster can happen 1 or 2 times maybe in this year, but it is not going to be too major or too bad, but if we'll take care of that thing, that may prevent. But as I say, this year is not a very stable year for anything. So jahan tak natural calamities ki baat hai, कहीं कहीं यस प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड वाटर एलिमेंट्स के थ्रू ही प्रॉब्लम्स आएंगी, और कोई बड़ा बहुत बड़ा डिजास्टर मुझे नहीं लगता कि होगा। बट जैसे बाढ़ है या कहीं वाटर का फ्लो ज़्यादा है, वो चीज़ों को हमको अवेयर रहना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएँ देती हूँ। मे दिस ईयर ब्रिंग लॉस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस टू यू, दो दिस ईयर इज अबाउट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, but if you are very clear your path will be clear, and this year is going to be very spiritual year for the people who really seeking spirituality. So please take care of your thoughts, be very clear, don't bring any confusion in your life, your progress is there as Rahu, or you can say the coming year where Rahu will be very very active, so you have to be very careful about your karma. What you do will you will get the result also accordingly. Do good in your life, do good karma. नमस्ते। आप दे
देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, अमेज़न फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और डीटूएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।